भाई ये क्या हो रहा है भाई, झगड़ा कर रहा है बंदा, भाई बंदा झगड़ा कर रहा है मस्जिद के पास। भाई पार्किंग को लेके झगड़ा हो रहा है, ये है भाई कुछ यहाँ का रमजान का माहौल। भाई तो बोलता है मुझे लग ही नहीं रहा है कि भाई मैं अमेरिका में हूँ। इफ्तार के बाद है ना यहाँ पर ऐसे चाय वगैरह आप लोग आकर पी सकते हो। तो खैर यहाँ पर इफ्तारी है भाई, ये इन्होंने दिया हुआ है, क्योंकि जब यहाँ पर इफ्तारी का टाइम हुआ ना तो यहाँ पे अजान नहीं हुई जैसे बच्चे। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। सो यार अभी जस्ट हम लोग यहाँ मस्जिद के पास पहुंचे, ये देखो काफी सारी भीड़ लग रही है यार, यहाँ पार्किंग देखो। ये एक्चुअली एक टर्किश मॉस्क है, मेरे घर से कुछ आधे घंटे की दूरी पर है। तो अभी रमजान का आज सातवां रोजा है और संडे का दिन है, तो मैंने सोचा क्यों ना भाई आज की इफ्तारी यहीं पर हो। तो अभी यहाँ पर पार्किंग करते हैं भाई। ये भाई यहाँ पर कैसे लोग रमजान वगैरह सेलिब्रेट करते हैं, ये देखो कितनी सारी गाड़ियां हैं यहाँ पर। खैर अभी मैं फिलहाल यहाँ पार्किंग वगैरह ढूंढ लूँ, पार्किंग मिले तो फिर इंशाल्लाह मजा आ जाए। तो ये वीडियो ना भाई बहुत यूनिक और बहुत एक्साइटेड हूँ मैं ये चीज बताने के लिए आप लोगों को। तो चलो दिखाता हूँ यहाँ पर हो क्या रहा है भाई। तो अभी एक काम करते हैं, पहले डायरेक्टली यहाँ से चलते हैं भाई मस्जिद में, यहाँ से एंट्रेंस से मस्जिद के। और मेरे साथ में एक्चुअली कैफ आया हुआ है आज साथ में, अभी इंशाल्लाह आप लोगों को बताते हैं ऊपर चल के कि किस तरीके से यहाँ पर भाई नमाज वगैरह होती है, कैसे लोग रोजा वगैरह लगते हैं, कैसे लोग एक दूसरे के साथ में मतलब है ना सेलिब्रेट करते। सो भाई ये है एक टर्किश मस्जिद जो है ना भाई यहाँ से ऑलमोस्ट अभी इसको बनकर भी ना 6 से 7 साल हो गए, और ये मैं बाहर जाकर आप लोगों को बताता हूँ कि भाई कितने सारे लोग यहाँ पर जमा हुए इफ्तारी के लिए। ये देखो भाई, देखो कितना जबरदस्त लग रहा है यार। और ये जो मस्जिद जो आप मेरे पीछे देख रहे हो ना भाई, ये मस्जिद है एक्चुअली टर्किश गवर्नमेंट ने बनाई है यहाँ के मुसलमानों के लिए। तो वहाँ के जो प्रेसिडेंट है ना टर्की के, वो जब भी अमेरिका आते हैं ना, तो ये पीछे आप जो ऑफिस देख रहे हो यहाँ पर वो आकर रुकते हैं। ऐसे खेमे वगैरह भी बनाए कि जहाँ पर लोग हैं अंदर बैठ कर पूरा है ना इफ्तार वगैरह कर सकते हैं। वहाँ ग्राउंड है, वहाँ ग्राउंड पे लोग हैं ना यहाँ पर देखो इफ्तार करने के लिए अपनी पूरी फैमिली के साथ में बैठे हुए हैं। ये अंदर मस्जिद, अंदर शायद से नमाज, एक्चुअली असर की नमाज तो हो गई अभी, शायद से मगरिब का कुछ लोग कुछ अंदर तैयारी वगैरह कर रहे हैं। मैं आप लोगों को बता दूँ, ये देखो भाई इबादत वगैरह चल रही है अंदर, लगता है अंदर लगता है कुरान की तिलावत वगैरह चल रही है, देख सकते हैं। और भाई ये मस्जिद के अंदर इतनी सारी फैसिलिटीज इन्होंने दी हुई है ना, ये जो आप देख रहे हो ये ना एक गेस्ट हाउस बनाया गया है कि आप लोग यहाँ पर आकर ना पे करके रुक भी सकते हो। इसको मुसाफिर खाना जैसा बोलते हैं ना, वैसे यहाँ पर ये मुसाफिर खाना जैसा बना है, उस पर लिखा हुआ है गेस्ट हाउस एंड मुसाफिर खाना। और ये जो आप देख रहे हो ना ये ना इनका एक्चुअली बाथ हाउस है टर्की में ना भाई, बाथ हाउस एक्चुअली बहुत फेमस है। तो ये बाथ हाउस जैसे यहाँ पर बनाया गया है, यहाँ पर देखो कितना खूबसूरत। और ये देखो भाई मस्जिद, ये सेम ऐसी मस्जिद है ना भाई, आप अगर लोग आप लोग अगर टर्की जाओगे ना, टर्की में आपको सेम ऐसी एक मस्जिद देखने के लिए मिलेगी भाई, उसी की तरह यहाँ पर इन्होंने बनाया हुआ है। बिकॉज ये गवर्नमेंट उन्हीं की है, तो उन्होंने इसको पूरा उसी तरीके से यहाँ पर बनाकर भाई इसे एक दीनियात सेंटर बनाया कि ताकि लोग यहाँ पर आए और लोग है ना इस्लाम की मतलब दीन की तालीम वगैरह ले और सीखे, अपने बच्चों को भी लेकर आए। तो ये सारी रीज़न की वजह से भाई यहाँ पर मस्जिदें तामीर हो रही हैं, यहाँ पर मस्जिदें बन रही है। ये देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है यार, मतलब बहुत खूबसूरत लग रहा है। यहाँ आसमान भी एकदम खुला खुला, मतलब एकदम रमज़ान वाली है ना, एकदम असली अच्छी वाली फील आ रही है भाई। अब आप लोग सोच रहे हो कि भाई यहाँ पर तो हमें पूरी फैमिली के साथ में औरतें भी दिख रही है मस्जिद में, लड़कियाँ भी दिख रही है। तो हाँ भाई, यहाँ अमेरिका में जितनी भी मस्जिदें होती है ना भाई, यहाँ पर फैमिली के साथ में हर कोई आता है यहाँ पर भाई नमाज़ पढ़ने के लिए, भले फिर वो ईद की नमाज़ हो, वो तरावी की नमाज़ हो, या रमज़ान हो, या इफ्तार करना हो, कुछ भी करना हो, भाई यहाँ पर पूरी पूरी फैमिली यहाँ पर आती है और भाई यहाँ पर आकर रमज़ान है ना सेलिब्रेट करते हैं। तो इसका एक अलग ही मज़ा रहता है, इसका एक अलग ही फील आ रहा है। मैं वाकई बता रहा हूँ आप लोगों को, यहाँ पर सिर्फ वॉक करते हुए घूमते फिरते हुए ना भाई बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है कि लोग इतनी तादाद में आए हुए। मैं एक्चुअली एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन शायद से वीकेंड है ना, मतलब सैटरडे संडे है, आज संडे का दिन है, तो इसी की वजह से मुझे लगता है कि भाई इतने सारी तादाद में इतने सारे लोग आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। वो ना एक कैफ़े जैसा बना है कि भाई लोग यहाँ पर आते हैं कैफ़े में, आकर आप लोग ना कुछ भी खा भी सकते हो, लेकिन अभी फिलहाल तो अभी तो चल रहा है रमज़ान, तो उसके हिसाब से कैफ़े तो मेरे हिसाब से बंद ही रहेगा, लेकिन मैं जाकर फिर भी एक बार दिखाऊंगा। लेकिन वो कैफ़े में आप लोग ना भाई प्रॉपर टर्किश खाना आप लोग खा सकते हो यहाँ पर अपने, मतलब एक चीज़ अच्छी हो जाती है कि भाई जो भी बच्चे जो होते हैं ना भाई, जिनको इस्लाम के बारे में इतना पता नहीं होता, इतना जान नहीं पाते, तो फिर ऐसी ऐसी जगह पर आकर ही वो लोग ना अपने दीन के बारे में ना भाई सीखते, और माँ बाप को भी एक मौका मिलता है कि भाई उनको बताए कि भाई क्या होता है, मस्जिद में क्यों जाते हैं,
कैसे जाते हैं, किस तरह प्रिपेयर करते हैं अपने इफ्तार के लिए, किस तरह प्रिपेयर करते हैं सहरी के लिए, रमज़ान के लिए। तो ये जो एक पूरा माहौल आप लोग देख रहे हो ना भाई, ये उसी का एक रीज़न है भाई। मुझे बल्कि खुशी इस बात की हो रही है कि मेरे को ना मौका मिल रहा है कि आप लोगों को मैं बताऊँ कि भाई यहाँ अमेरिका में लोग कैसे रमज़ान को सेलिब्रेट करते और लोग कैसे यहाँ पर आकर एक दूसरे के साथ में यार अपनी खुशियाँ शेयर करते हैं। और यहाँ पर हर कंट्री के लोग आए हुए भाई, ज़रूरी नहीं है कि खाली इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के, दुनिया की, अफ्रीका की, टर्किश लोग है, ईरान, इराक, काफ़ी हर कंट्री के लोग हैं ना आपको यार यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। ये देखो यार बड़ी तादाद में आपको लोग देखूंगा, बता रहा था कितने सारे लोग आपको यार देखने के लिए मिलेंगे। और यहाँ पर ये चीज़ है कि लोग है ना खुशी खुशी यहाँ पर एक दूसरे के साथ में ना चीज़ें सेलिब्रेट वगैरह करते हैं, अपना जो भी उनका जो भी कल्चर है। देखो लोग है, देखो यहाँ पर ऐसा खाना वगैरह बनाकर लेके आए अपने घर से, तो मतलब इफ्तारी के अंदर ही ना भाई शिरकत करने के लिए लोग हैं यहाँ पर चीज़ें यहाँ पर लेके आए, ताकि एक दूसरे से अपना खाना वगैरह शेयर करें, इफ्तारी साथ में मिलकर करें। यहाँ पर देखो प्रॉपर ऐसा टेबल जैसा बनाया गया है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ये वो कैफ़े है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, ये देखो ये कैफ़े बहुत बहुत ज़बरदस्त लगा मुझे। यहाँ से मस्जिद का व्यू देखो यार कितना प्यारा लग रहा है, सच बात है ना। और यहाँ पर है भाई है, ये इनका एक सुपर मार्केट है, टर्किश सुपर मार्केट। और यहाँ पर क्या मिल रहा है भाई, ये लगता है इनकी ये अरे चाय वगैरह है, लगता है ये इफ्तार के बाद है ना यहाँ पर ऐसा चाय वगैरह आप लोग आकर पी सकते हैं इफ्तार के बाद। और ये देखो भाई ये है कैफ़े जिसकी मैं बात कर रहा था, ये आप लोग बाहर भी बैठकर मतलब अंदर भी बैठकर यहाँ पर आप लोग इफ्तारी वगैरह कर सकते हैं। तो ये देखे, ये देखिए यहाँ से आप लोग पूरा यहाँ पर इफ्तार का पूरा हिसाब, पूरा इंतज़ाम यहाँ पर किया गया है। यहाँ पर लाइन लगी हुई है भाई, ये देखे क्या ज़बरदस्त लग रहा है भाई। एंड और अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा खरीदना है तो आप लोग यहाँ से खरीद भी सकते हैं। और ये देखिए ये प्रॉपर ये रमज़ान के ब्रेड यहाँ $9 में, ये देखिए ये शायद से कहीं इसको पसंद आएगा अगर लेकर जाएंगे तो। यहाँ पर पूरा इफ्तारी तैयार की जा रही है, यहाँ पर आप लोग बैठकर भाई खा सकते हैं एक तरीके से। ये देखो लोग यहाँ पर ऑलरेडी आकर लाइन में लग चुके हैं और लेना शुरू कर दिए गए, ये देखिए। अब मैं थोड़ा आप लोगों को बाहर का भी बताता हूँ कि कैसा है भाई यहाँ पर। यहाँ पर भी देखो पूरा इंतज़ाम किया गया, आप लोग अपनी फैमिली के साथ में आके यहाँ पर भी पूरा बैठ सकते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब इतने अच्छे सही तरीके से यहाँ पर इंतज़ाम किए हैं ना कि बहुत ये देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है, वाकई बता रहा हूँ भाई। ये कैफ मेरे को बोल रहा है कि मुझे तो थोड़ी देर के लिए ऐसा लग रहा है कि मैं अमेरिका में नहीं, उसको लग रहा है कि वो सऊदी वगैरह आ गया। बोलता है मुझे लग ही नहीं रहा है कि भाई मैं अमेरिका में हूँ, इसलिए मैं इसको लेकर आया कि भाई इसको एटलीस्ट पता तो चले कि भाई आप लोग कैसा करते हैं रमज़ान वगैरह सेलिब्रेट। और वाकई बता रहा हूँ मुझे भी ऐसा एहसास नहीं हो रहा है कि भाई मैं इस वक्त अमेरिका में हूँ, इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है मैं सऊदी या दुबई वगैरह में। अगर आप लोग जाएंगे तो भाई वहाँ पर आपको ऐसा मंजर देखने के लिए मिलेगा कि भाई इतनी तादाद में लोग है ना एक साथ इफ्तारी करने के लिए आते हैं, स्पेशली भाई रमज़ान के वक्त। और एक साथ इफ्तारी मैंने तो मतलब इंडिया में तो नहीं देखा होगा भाई, बिकॉज मोस्टली इंडिया में भी क्या होता है आप लोगों को पता होगा भाई, इंडिया पाकिस्तान मस्जिदों में मोस्टली क्या खाली जेंट्स लोग जाते हैं, वो लोग जाते हैं जो सफ़र वगैरह करते हैं, जिनको इफ्तार करने का मौका नहीं मिलता है। और भाई ये जो देख रहे हो ना, ये इन्होंने अंदर ना पूरा एक टर्किश मार्केट बनाया हुआ है, अंदर आप इनका इनके जितने भी सामान वगैरह ना आप लोग यहाँ से ले सकते हैं। लाइन लगा कर इफ्तारी लेनी है और फिर वो इफ्तारी लेकर मुझे लगता है बैठकर खाना है, हाँ तो भाई वहाँ से लाइन लगा कर इफ्तारी लेनी है। तो चलो अभी देखो ये लोग देखो धीरे धीरे इफ्तारी लेकर आ रहे हैं भाई, एक एक जन ये देखो एक एक प्लेट ऐसा इफ्तारी लेकर आ रहे हैं, वहाँ पर लाइन लगी है भाई। यहाँ पर लोग आने की वजह क्या है पता है क्या, यहाँ पर आते इसीलिए कि भाई साथ में सेलिब्रेट कर सके, साथ में ना भाई इफ्तारी के मज़े ले सके, और फिर अपने घर को याद नहीं करते हुए भाई फिर यहाँ पर वो लोग आपस में हर एक जन मिल के भाई यहाँ पर रमज़ान को सेलिब्रेट करें और इफ्तारी करें। तो ये चीज़ मेरे बहुत देख के अच्छी लगी, और ये शायद से आई एम श्योर ये ना सऊदी वगैरह में भी यार होता रहेगा। और अभी आप लोग भी देख रहे हो भाई मैं दाढ़ी वगैरह बना दिया, तो मैंने ना एक चैलेंज लिया हो कि भाई रमज़ान के पूरे 30 दिन तक है ना मैं अपनी दाढ़ी कट नहीं करूँगा, बियर्ड वगैरह नहीं उड़ाऊँगा, देखता हूँ कितनी ग्रो होती है, और फिर क्या पता फिर मैं बीएड रखना उसी के बाद से शुरू भी कर दूँ। यही लगता है कि काफ़ी मतलब इसके पहले किसी ने ना इसके बारे में सोचा होगा या जाना होगा कि भाई अमेरिका में रमज़ान कैसे सेलिब्रेट करते हैं। जब मैं भी था ना इंडिया में तो मैंने भी सोचा नहीं था कि भाई कैसे सेलिब्रेट करते रहेंगे, तो मैंने सोचा मुझे एक मौका मिला है कि आप लोगों को आकर बताओ कि भाई कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पर। साथ में 10 कम है और यहाँ पे इफ्तारी का टाइम है ना भाई, यहाँ पे एक एक मिनट है ना बढ़ते रहता है। यहाँ पे इफ्तारी का टाइम वो 7:16 पर है भाई, शुरू हुआ था 7:11 से और एक एक मिनट बढ़ बढ़ के 7:16 पर भाई यहाँ पर देख रहे हो। यहाँ पे अपने दोस्त यार कॉलेज के स्टूडेंट वगैरह भी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, जो आप पीछे देख रहे हैं फैमिलीज के साथ साथ में ना भाई कॉलेज के स्टूडेंट वगैरह जो अपने घर को याद करते हैं यार, मौका नहीं मिलता इफ्तारी वगैरह करने का, अकेले अकेले नहीं करना चाहते, तो फिर वो लोग भी यहाँ पर आते हैं भाई स्टूडेंट लोग और यहाँ पे आके इफ्तारी करते हैं भाई। ओके
अरे भाई ये तो भाई ये बच्ची गिर गई, मेरे को हंसी आ रही है, हंसना नहीं चाहिए, वो बच्ची बेचारी साइकिल पे गिर गई, कैब भी हंस रहा है ना। मैंने जो अंदर से आपको बताया ना, तो इस तरीके से कुछ लाइन वगैरह लगा कर भाई इफ्तारी वगैरह ले ली। चलो लाइन में लग जाते और फिर बाहर आकर बैठते जैसे। देखो भाई काट कर इधर से चलते। यार जब भी मैं देख रहा था बस कुछ यहाँ था कि लाइन थी, और देखो मुश्किल से 5 मिनट में यार कितनी लंबी लाइन लग गई, और अभी अगर लाइन में खड़े नहीं है तो मुझे लगता है कि और पीछे तक लाइन जाने वाली है। तो भाई ये देखे चुपचाप खामोश से पीछे चल कर लग गए लाइन में। तो भाई यहाँ पर 2 लाइन बनाई गई है, ये देखो यहाँ पे सब जेंट्स लोग हैं और वहाँ पर सारी लेडीज है, तो 2 लाइन यहाँ पर बनाए हैं। लाइन से चलते अंदर, लंबी लाइन है ये। हाँ काफी लंबी है, मतलब अभी अभी बढ़ गई, तो इतनी ज्यादा लंबी थी नहीं ये। लाइन इधर है, अच्छा 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 भाई साहब बता रहे कि काफी लाइन है, अभी वो आए थे जब इतनी लाइन नहीं थी ना, अभी हो गई लाइन, राइट? अभी हो गई। लेकिन एक बात है यार, यहाँ पे हर कंट्री के लोग आपको देखने के लिए मिलेंगे यार, हर दुनिया के हर कोने से जो भी अमेरिका में रहते हैं सब देखने के लिए मिलेंगे यहाँ, है ना। ये वही कैफे जिसकी मैं बात कर रहा था, वहाँ देखो पूरी लाइन लगाए हुए हैं, यहाँ पर वहाँ पर फैमिलीज बैठी हुई है, वहाँ से इफ्तार लेते हैं, इफ्तार लेकर भाई फिर आप तो बाहर बैठकर इफ्तारी कर सकते हैं। ये देखो अभी कितना बज गया, ऑलमोस्ट हो गए अभी 7:07 है, और इफ्तारी की बात ही मैं कर रहा था। देखिए वहाँ से मैं लाइन लगाया, आप देखो कितनी लंबी लाइन बढ़ गई है, देखो भाई पीछे सोचो कितनी तादाद में, मतलब कितने तादाद में लोग यहाँ पर आते, और पीछे मस्जिद देखो क्या खूबसूरत लग रही है भाई। चलो भाई आ गए अपना नंबर, तो अभी लोग वही एरिया में आ गए जहाँ से अभी मैं आप लोगों को पूरा अंदर से घूम कर बताया था ना, तो ये देखो वही यहाँ पर अभी हम लोग लाइन में यहाँ पर लग गए। थैंक यू। चले भाई आ गए हमारी इफ्तार की थाली, आप इफ्तार करने मज़ा आएगा। चलो भाई बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा हाथ में। थैंक यू। चले भाई कैफ तो यहाँ लेकर ऑलरेडी खड़ा है यहाँ पर, कैफ कहाँ बैठेंगे ये बता। थैंक यू। चलो भाई हाथ में इफ्तार ले लिए, अब इफ्तार लेकर बाहर बैठने का थोड़ा इंतजाम कर दे। इस तरीके से भाई लाइन लगाकर आपको अपना इफ्तार लेना है। अब इफ्तार में इसमें है क्या क्या ना, मैं आप लोगों को बताऊंगा भाई क्या क्या दिया गया। ये है अभी देखो लेडीज की भी लाइन देखो भाई कहाँ तक आ गई, ये देखो अब इसमें कुछ मुझे दिख रहा है भाई, जो भी मिला है भाई ऊपर वाले का नाम लेकर खाना है और क्या। अभी अंदर चल के थोड़ा वहाँ पर स्पेस देखते हैं, अंदर बैठने की जगह उधर है या नहीं, आगे की तरफ फ्रंट में तो पूरा खत्म हो गया, मतलब स्पेस नहीं है बैठने के लिए, तो यहाँ पर देखते हैं। मुझे लगता है ये भी फुल हो गया रहेगा, कुछ काफी सारे लोग ऑलरेडी यहाँ पर अंदर बैठ चुके हैं, तो लोगों ने अच्छे आप मस्त यहाँ पर ऐसा बना कर रखे हुए कि आप लोग अंदर बैठ कर इफ्तारी वगैरह भाई कर सकते। तो भाई कुछ यहाँ पर इस तरीके से बैठ गए, आप काफी सारे लोग आपको यहाँ बैठे हुए दिखे गए। देखो भाई अपनी अपनी थाली लेकर जिस तरीके से ये बनाया गया है ना भाई, मस्त बनाया, बारिश वगैरह भी होगी तो भी बचे हुए रहेंगे। तो खैर यहाँ पर इफ्तारी है भाई, ये इन्होंने दिया हुआ है कुछ राइस है, ये बन है, ये मीठा शीरा दिया हुआ है, शीरा के साथ में ये भाजी दी हुई है, और ये सूप है, सूप। तारी अजान हो जाए फिर इफ्तारी करते हैं। ये देखो बैठने की जगह है, बहुत बड़ी जगह है भाई यहाँ पर है, उन्होंने आगे की तरफ भी बनाया हुआ है, तो ये मस्जिद में काफ़ी सारे लोग हैं, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि भाई इतने सारे लोग यहाँ पर आएंगे। भाई एक चीज़ देख कर थोड़ा मुझे वियर्ड लग रहा है, ये अजीब ये लग रहा है कि भाई अपने इंडिया पाकिस्तान में क्या होता है, इफ्तारी में क्या देते, भजिया फ्रूट्स देते, खजूर देते, यहाँ पर इन लोगों ने ना भाई प्रॉपर एक खाना ही दे दिया, पूरा एक मील ही दे दिए कि भाई प्रॉपर खाना खाओ, इफ्तारी करो, और भाई फिर तुम डायरेक्टली शहरी में। तो ये कॉन्सेप्ट मुझे अच्छा लगा, मुझे लगता है, मुझे नहीं पता है तो अभी तक मैं टर्किश गया तो नहीं हूँ भाई कि वहाँ पर वो लोग शहरी में क्या खाते हैं, लेकिन कभी मौका मिलेगा ना तो भाई वो भी आप लोगों को बताएंगे भाई वहाँ पर शहरी में लोग क्या खाते हैं, इफ्तारी में क्या खाते हैं। फिलहाल इन लोगों का ये कॉन्सेप्ट है कि भाई सूप दे दिए, पाव दे दिए, खाना प्रॉपर एक मील बनाकर दे दिए कि भाई इंसान का पेट भर जाए और सुकून से पेट भर के वो खाकर जाए यहाँ से। तेरे हिसाब से क्या लगता है, कैब बोल रहा था कुछ पिज्ज़ा वगैरह मिलेगा, क्या लगता है तुझे? वो पिज्ज़ा के चक्कर में आया था मेरे साथ में, मैं उसको बोला चल चलते थोड़ा वीडियो भी बनाते, इन लोगों को बताते भी है कि कैसे यहाँ पर इफ्तारी होती है, तो खैर उसको मैं अपने साथ में लेकर आ गया। चले भाई इफ्तारी का टाइम हो गया है, दुआ मांगकर फिर शुरुआत करते हैं इफ्तारी की। अल्हम्दुलिल्लाह खा रहे यहाँ पर इफ्तार कर रहे, ये देखो बड़ा टेस्टी है यार, बहुत अच्छा लग रहा है यार, यहाँ अमेरिका में भाई मस्जिद में बैठ कर तुम्हारा भाई इफ्तारी कर रहा है। भाई मज़ा आ गया इफ्तार करके, और पीछे सनसेट देखो क्या खूबसूरत लग रहा है, वो छोड़ो ये देखो, और अब पीछे मस्जिद देखो,
मस्जिद तो और खूबसूरत लगने लगी है भाई। लोगों की अभी भी इफ्तारी चल रही है यार। एक बात है, एक चीज़ है ना मुझे बड़ी वियर्ड लगी कि जब यहाँ पर इफ्तारी का टाइम हुआ ना तो यहाँ पे अजान नहीं हुई। जैसे अपने कैसे इंडिया में अजान होती है राइट, अजान इंडिया पाकिस्तान में होती है, फिर लोग खजूर खाकर रोजा खोलते हैं। यहाँ पे देखे ना, यहाँ पे कोई अजान की आवाज़ आई आप लोगों को? अजान की आवाज़ नहीं आई, लेकिन सिर्फ यहाँ पर ना कुछ अनाउंसमेंट हुआ कि भाई इफ्तारी का टाइम हो गया, और इस तरीके से लोग यहाँ पर ना भाई खजूर खाकर फिर अपनी इफ्तारी वगैरह की है। थोड़ा सा वियर्ड था, मुझे लगता है टर्की वगैरह में। मुझे नहीं लगता कि मतलब देखो ना दुनिया के हर कोने मतलब लोग अलग अलग तरीके से भी इस चीज़ को मतलब फॉलो वगैरह करते हैं यार। तो ये देखकर थोड़ा सा वियर्ड था मेरे लिए, लेकिन भाई अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तारी वगैरह अच्छे से हो गई भाई, वो बहुत अच्छा हुआ। लेकिन ये थोड़ा सा एक नया था मेरे लिए जानना कि भाई बिना अजान के भाई इफ्तारी यहाँ पर शुरू कर दिए थे, मतलब बहुत प्रॉपर टाइम हुआ ना वैसे यहाँ पर भाई इफ्तारी शुरू हो गई। चाय वगैरह अगर यहाँ से लेना है तो लोग जैसे मैंने बताया यहाँ से चाय वगैरह भी लेकर। ये देखो कितनी ज़बरदस्त लग रही है पीछे मस्जिद, कोने कोने में बैठ के भाई लोग खा रहे। देखो फैमिली के साथ जैसा मैंने बताया सब बैठ कर भाई यहाँ पे इफ्तार का मज़ा ले रहे। मतलब वाकई बता दो रमज़ान का ना भाई असली मज़ा, असली जो फील है ना भाई वो मस्जिद में आकर ही है। बाकी घर में भी आपको इतना फन नहीं आएगा, इतना मज़ा नहीं आएगा जितना आप लोग यहाँ पर आकर तो एक दूसरे के साथ में सेलिब्रेट करोगे। देखो ना, चलो भाई नमाज अपनी ना छूटे, अपन जाकर अंदर पढ़ते। तीन लोगों का हो गया, नमाज पढ़ गए, लो बाहर आ गए क्योंकि इफ्तारी लगते अंदर ही हुई है। अब मैं अंदर जाकर नमाज पढ़ता हूँ भाई। रमज़ान का असली मज़ा भाई इधर है। इफ्तारी के बाद भाई इन्होंने क्या ऊपर लिखा है, रमज़ान वेलकम ब्लेस। अब इसके आगे आएगा कि भाई सहरी के लिए भी आप लोग आए, ब्लेस्ड मंथ ऑफ रमदान। ठीक है, अब इसके साथ में क्या लिख कर रहेगा मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इसके बाद लिख के आएगा भाई, अब आप लोग नेक्स्ट आ सकते हैं भाई। ये देखो ये टर्किश में कुछ लिखा हुआ है, ये इसमें लिखा हुआ है। अब ये देखो यहाँ पर लिखा है कि भाई सहरी के लिए भी आप लोग यहाँ पर आ सकते हैं। लेकिन ये मस्जिद के अंदर से ना मैं आप लोगों को इत्मीनान से बताऊंगा, अभी एक्चुअली अंदर नमाज वगैरह लोग पढ़े तो डिस्टर्ब नहीं हो जाए। चलो भाई नमाज वगैरह हो गई, अंदर मैं रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि यार थोड़ा सा जो चीज़ के लिए आए उस पर भी थोड़ा ध्यान देना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि खाली ब्लॉगिंग ही करते रहो, तो जो चीज़ के लिए आए भाई उसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा तवज्जो देकर ये ब्लॉगिंग साथ साथ में कि आप लोगों को बता दूं भाई कि क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। अंधेरा होने लगा है, काफ़ी सारे लोग दिख रहे हैं, मज़ा आ रहा है। लेकिन अच्छा लगा आज हम लोगों ने एक्चुअली संडे का दिन जो डिसाइड किया ना, संडे के दिन मुझे ऐसा लगता है कि भाई संडे को ज़्यादा यहाँ पर भीड़ दिखती रहेगी एज़ कम्पेयर टू बच्चे लोग। देखो भाई यहाँ पर फुटबॉल वगैरह खेल रहे हैं, मतलब इन लोगों के लिए भी है ना, अगर जब हम लोग छोटे थे भाई तो रमज़ान में क्या करते थे हम लोग, वो बैडमिंटन वगैरह खेलते थे, बच्चे लोगों की आवाज़ आती थी, शोर शराबे की आवाज़ आती थी। ये देखो बच्चे लोग यहाँ पर टाटा बाजे कर रहे, हेलो हेलो। तो अभी यहाँ से यहाँ पे इनका क्या फ़ायदा होता है पता है क्या बच्चे लोगों का? ये है कि भाई मेरे को अपना जो बचपन अगर रमज़ान की यादें मैं बताऊँ तो उसका ये था कि भाई बाहर खेलना इफ्तारी के बाद बैडमिंटन। इन लोगों के लिए भाई मस्जिद में इनके पेरेंट्स लेके आ जाते तो ये लोग भाई यहाँ पर खेलते कूदते मज़े करते। देखो बच्चे, वालेकुम सलाम वालेकुम सलाम, ये बच्चे लोग तो एकदम भाई यहाँ से चले तो बच्चे लोग देखो भाई दुनिया के किसी भी कंट्री के बच्चे हो वो मस्ती उन लोगों की वैसी रहेगी, कहीं के भी हो बच्चे लोगों की मस्ती वही रहेगी। वो देखो पीछे पीछे मेरे आ रहे, ये अमेरिका के बच्चे हो, इंडिया के हो, पाकिस्तान के, दुनिया के किसी भी बच्चे हो भाई मस्ती खत्म होने वाली नहीं है। ये मैं सच बताओ पीछे पीछे आ रहे तो मैं थोड़ा तेज चल गया तो फिर वो लोग खेल अपना खेल छोड़ के यहाँ पे मस्ती करने लग जाते। वो लोग मस्त घूमो फिरो आगे सबके साथ में खेलो। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आपका मैं ब्लॉग देखा था पिछले साल के ईद पे। अच्छा अच्छा अच्छा, तो कैसे क्या नाम है भाई आपका? जैद। आप कहाँ से हैं जैद? पाकिस्तान। पाकिस्तान से? कहाँ पर? पाकिस्तान कराची। कराची से क्या? तो आप यहाँ पर अक्सर आते रहते हैं आप भी? हर रोज। आप डेली आते हो क्या? मेरा पहला दिन है इफ्तारी के लिए यहाँ। माशाल्लाह घर पर ही होती है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैं बोला आज संडे का दिन है छुट्टी का दिन। आपने अंदर से इफ्तारी ली? हाँ ले लिया, अंदर से इफ्तारी की है बस अभी। और मतलब थोड़ा सा लोगों को बताओ यहाँ पर भाई रमजान कैसे मनाते हैं, एक अलग ही मजा आता है ना यहाँ पर। अच्छा लगा जैद भाई आपसे मिल के, अपना ख्याल रखिए ठीक है। चले चलो, वालेकुम सलाम भाई। हेलो भाई, लास्ट ईयर मैं एक्चुअली यहाँ पे ना एक्चुअली मैं ईद के टाइम पे भी आया था, ईद के टाइम पे मैंने यहाँ वीडियो बनाया था कि भाई ईद की नमाज वगैरह कैसी है। तो इंशाल्लाह इस बार भी है ना भाई ईद पे आके ना यहाँ पे वीडियो बनाएंगे, आपको बताएंगे फिर से इस साल की ईद कैसी हो रही है। लेकिन यहाँ पे ना और दो तीन मस्जिदें अलग अलग है, मैं सोच रहा हूँ इस बार है ना एक दूसरी मस्जिद है वहाँ पर जाकर भाई ईद की नमाज़ वगैरह पढ़ेंगे। और ये इफ्तारी है ना आज यहाँ पर के ना एक दो दिन के बाद ना किसी और मस्जिद में जाकर मैं आप लोगों को बताऊंगा। बिकॉज यहाँ पर अमेरिका में एक मस्जिद नहीं है भाई, कम से कम जिस एरिया में मैं रहता हूँ ना भाई, मैरीलैंड स्टेट में मैं रहता हूँ यूएसए में, तो भाई यहाँ पर है ना कम से कम 4 से 5 अलग अलग मस्जिद है। ये वाली मेरे घर से 30 मिनट की दूरी पर है, और वो वाली जो है ना भाई एक और जो मस्जिद है वो भी 30 मिनट मतलब आधे घंटे की दूरी पे ना मेरे घर के पास मस्जिदें हैं। तो क्या मैं दूसरी मस्जिद में भी जाके बताऊँ वहाँ पर लोग इफ्तारी वगैरह कैसे करते हैं। भाई से मिलकर बड़ा अच्छा लगा भाई, ये है कुछ यहाँ की रौनक रमज़ान की, वाकई बताना अच्छा है या नहीं। क्या आप लोग अपने घर को याद करोगे ऐसा कुछ?
मंजर में अगर आप लोग रहोगे तो। हाँ, घर की याद तो भाई आती है कुछ टाइम के बाद, लेकिन घर को याद अगर आप ज़्यादा कर रहे हो तो फिर आप ऐसी जगह पे आ जाओ अपने दिल को थोड़ा बहलाने के लिए, सुकून में, शांति में। कैब एक्चुअली जब से बोर हो गया वो कुछ बोलता नहीं, आप लोग ब्लॉग में बोलोगे तो वो कैसा लगा यहाँ पर आके? हाँ, मज़ा आया कि नहीं? मज़ा आया कि नहीं? मज़ा आया भाई, वो खाने में बिजी था, उसको पिज़्ज़ा वगैरह खाना था, अभी बाहर से पिज़्ज़ा भी लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह जो भी मिला अच्छा था, फिर अभी उसके लिए पिज़्ज़ा लेना पड़ेगा भाई। तो आप लोग बताना कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो, ये रमज़ान का मंजर यहाँ पर किस तरीके का लगा, प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताओगे, मुझे अच्छा लगेगा। और बताओ दूसरी जगह पर भी जाकर मैं वीडियो बनाऊँ तो। और भाई कमेंट में ना कोई भी हेट मत डालना, प्यार मोहब्बत यार बांटो एक दूसरे के साथ में, अच्छे अच्छे कमेंट करो आप लोग, भले कोई भी धर्म के हो यार। ऐसा नहीं है कि अगर ये मैंने रमज़ान के ऊपर बनाया तो कोई और लोग आकर कुछ और कमेंट करके जा रहे, मत करो भाई। अच्छे इंसान बनो, अच्छी चीज़ें आपस में बांटो, अच्छी चीज़ें शेयर करो, आपके साथ भी अच्छी चीज़ें ही होगी। हर कंट्री के लोग आपको यहाँ पर देखेंगे, देखो नमाज पढ़ने वाले बंदे लोग, ये देखो ये था भाई आखिरी मंजर, यहाँ का लास्ट सीन देख लो आप लोग। पब्लिक अभी भी है यार, 8:15 हो गया लेकिन अभी तक पब्लिक गई नहीं है यार। भाई ये पार्किंग लॉट इतना बड़ा है, ये मस्जिद इतनी बड़ी है कि भाई मुझे ढूंढना पड़ेगा मैंने मेरी गाड़ी कहाँ पार्क किया था। मुझे नंबर तो याद है V4, देखते हैं अभी। एक चीज़ मुझे ना आप लोगों को बतानी थी, जब मैं और कैफ यहाँ पे जैसे अंदर पार्किंग लॉट में एंटर हुए ना भाई, एक दो बंदे लोग ना गाड़ी की पार्किंग के ऊपर से भाई झगड़ा कर रहे थे। मतलब मैंने इसके एक्चुअली इसको वीडियो की शुरुआत में इसीलिए नहीं बताया ताकि लोग फिर यार अच्छी चीज़ देखने आए, अच्छी चीज़ सीख कर जाए यार। लेकिन मैंने सोचा कि एक मैसेज दे दूँ आप लोगों को, बताओ कि भाई अगर आप लोग ऐसी नेक जगह पर, अच्छी जगह पर आ रहे हैं ना, भले आप कहीं भी जाओ, मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, चर्च जाओ, कहीं भी जाओ, आप लोग भाई ऐसी हरकतें ना करें यार। थोड़ा सा एक दूसरे में ना थोड़ा सा कोऑपरेट करें एक दूसरे के साथ में भाई, मिल बांट के प्यार मोहब्बत से चीज़ों को सॉर्ट आउट करके भाई ख़त्म करो। वो बंदा बोल रहा है कि मैं ना अभी अभी पुलिस को बुलाऊंगा, बोला तूने मेरे सामने गाड़ी पार्क किया ही कैसे? यार इतनी बड़ी ये गैराज, इतनी बड़ी मस्जिद है, इतनी बड़ी जगह है, कहीं ना कहीं तुम्हें पार्किंग मिल जाएगी यार। अब हम लोग को थोड़ा सा चलना पड़ा है, इतना लंबा पार्किंग लॉट है, थोड़ा चलना पड़ रहा है, लेकिन क्या भाई इत्मीनान से, सुकून से सारी चीज़ें हो, अच्छे से आए, मिल बांट के खुशी से यार रमज़ान सेलिब्रेट करो और यार जियो अपनी ज़िंदगी यार। तकलीफ़ मत दो किसी को, किसी के साथ झगड़ा मत करो, कोई उलझता भी है ना भाई, ठीक है तू बड़ा है भाई, तू ठीक है भाई, तू अपनी जगह पर ठीक है, मैं माफ़ी चाहता हूँ भाई, करके मूव ऑन कर दो यार, ये लोगों को सिखाओ। अब अगर मैं अगर यही अगर आप लोगों को ये बता दो भाई देखो मस्जिद में ऐसा हुआ है तो ये अच्छा नहीं लगता है ना यार, तो आप लोग भी थोड़ा इस बात का ख्याल रखें। खैर मुझे मेरी गाड़ी मिल गई है, यहीं पर मैंने पार्क किया था। और एक्चुअली ये जो टर्किश लोग हैं ना भाई, इन लोगों ने दुनिया में ना भाई जगह जगह पर इस्लाम फैलाया। मैंने एक्चुअली हम लोग अभी यूरोप के टूर से रिटर्न आए हैं, हम लोग बुडापेस्ट हंगरी गए थे, वहाँ पर है ना भाई एक मुस्लिम पूरा एरिया था जहाँ पर टर्किश लोगों ने कई साल तक राज किए थे, उसके ऊपर ना मैंने पूरा वीडियो बनाया, आप लोगों ने वो वीडियो जाकर देखना, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, हिडन मुस्लिम कंट्री करके है वो वीडियो, देखना आपको वीडियो बहुत मज़ा आएगी। तो खैर इस वीडियो को यार इतना ही रखते हैं, थैंक यू सो मच। आप लोग बताना कॉमेंट करके आपको कैसा लगा ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी अमेरिका के बारे में, मैंने सोचा आज आया तो आप लोगों को बता दूँ, प्लीज़ कॉमेंट करके बताना कैसा लगा। बस इस वीडियो को इतना ही रखते, थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, दैट्स अबाउट इट।